खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया से है, जहां सोनहत विकासखंड के सलगवा कला स्थित मिडिल स्कूल में पदस्थ आर्ट के शिक्षक 10 वर्षों से छात्रावास अधीक्षक के रूप में अटैच हैं, जिससे स्कूल का कार्य भी प्रभावित है। जिसकी शिकायत लेकर स्थानीय ग्रामीण कोरिया कलेक्टर से मिलने पहुंचे और पूरे मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया। वहीं संबंधित अधिकारी मामले में कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ गए। हम लोग यहाँ पे आए थे हमारे गाँव में मिडिल स्कूल में भैया, पिछले 2013 से एक शिक्षक कार्यरत हैं नर्मदा प्रसाद रवि, जो कि यहाँ पे मूलतः पदस्थ हैं और हॉस्टल अधीक्षक के रूप में अटैच होके महेश्वर में कार्यरत हैं। हमारे स्कूल में शिक्षकों की कमी होने के कारण से जो अध्ययन की प्रणाली है वो डिस्टर्ब हो रही थी, तो हम लोग ये चाहते हैं कि उनके जगह में या तो वो शिक्षक आएँ या किसी और शिक्षक की नियुक्ति हो, वहाँ पर उनके जो खाली पद हैं उसको भरा जाए, रिक्त पद को भरा जाए। मैं पिछले एक सालों से, जब से मेरे को जानकारी हुई है, पिछले 2013 से वो जब से थे हमको जानकारी ही नहीं थी। जब हम पता किए तो पता चला कि नहीं, एक शिक्षक और हैं जो यहाँ पे पदस्थ हैं, लेकिन उनका वेतन बस यहाँ से बनता है, बाकी वो अटैच में हॉस्टल अधीक्षक रूप में भैंसवार में है। तो जब से हमें जानकारी हुई पिछले एक सालों से हम लोग इसके पीछे लगे हुए थे। दो बार आवेदन देने के बाद भी अभी तो कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। अभी कलेक्टर महोदया से हमने मिला है और उनको अपनी परेशानी को बताया है, तो वो बोली हैं कि TL मीटिंग में मैं इस बात को रखूँगी और देखूँगी, और आगे अगर कुछ भी नहीं होता है तो फिर आगे हमें विवश होकर कोई